बंगाल में छठे चरण की वोटिंग के बीच आज कलकत्ता हाईकोर्ट में अहम सुनवाई भी होने वाली है। मामला कोरोना से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट जानना चाहता है कि बंगाल में हो रहे चुनाव के दौरान आयोग कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है, कोरोना नियमों का किस हद तक पालन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। यहां बताना जरूरी है कि चुनावी राज्य बंगाल में भी कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जो सेकेंड वेव आई है उसके बाद पिछले 24 घंटे में बंगाल में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि 58 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। ऐसे में हाईकोर्ट ये जानना चाहता है, जो आज सुनवाई होने वाली है, कि क्या कुछ कदम आयोग की तरफ से उठाए गए हैं ताकि कोरोना प्रोटोकॉल्स का किस हद तक पालन हो रहा है चुनाव के दौरान और किस तरीके से चुनाव करवाए जा रहे हैं। आज ये सुनवाई हर लिहाज से अहम होने वाली है। जो सेकेंड वेव आई है उसमें पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं रहा है। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मामले सिर्फ पश्चिम बंगाल में सामने आए हैं। तो ऐसे में हाईकोर्ट ये जानना चाहता है कि बंगाल में हो रहे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है, कोरोना नियमों का किस हद तक पालन यहां हो रहा है। यहां बताना जरूरी है कि चुनावी राज्य बंगाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।